कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन खतरनाक होती जा रही है। इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा सरकार सख्त कदम उठा रही है। सरकार कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर गंभीर है। इसी के मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन व नगर निकाय भी अपने अपने इलाकों में मुस्तैदी से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर न केवल समझाइश कर रही है बल्कि सख्ती भी बरत रही है। इसी को लेकर मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा ने सड़क पर उतरकर बाजारों में घूम घूम कर बिना मास्क लगाने वाले लोगों के चालान काटे। इतना ही नहीं, बिना मास्क लगाने वाले ग्राहकों को सामान दे रहे दुकानदारों के भी चालान काटे गए। सख्ती के साथ नगर परिषद टीम ने लोगों को मास्क भी वितरित किए। इस दौरान करीब 500 मास्क वितरित किए गए और 100 लोगों के चालान काटे गए। नगर परिषद की कार्रवाई से बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों में हड़कंप मच गया और लोग जेब में रखे मास्क पहनते नजर आए। आयुक्त का कहना है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और लापरवाही करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अंदर देखो, चालान काट दो मैडम। मैडम चालान काट दे। काटो इसका भी। आज है ना COVID-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ना हम लोगों ने मास्क वितरण किए हैं। करीब 500 के आसपास हमने आज मास्क का वितरण किया है। 100 के आसपास हमने चालान काटे हैं जिन्होंने कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए थे। अब ये अभियान चालू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ये समस्या इसका निदान नहीं हो जाता है तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। जनता से अपील है कि आप है ना कोरोना के गाइडलाइन का पालना करें, मास्क जरूर लगावें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और घर से जब भी निकले जब अति आवश्यक हो।